75 होते हैं जी जी। ये देखिए अब बताइए अब की बार 75 पार से आपके बाद आप 10 सीटों पर बढ़त है, आपकी 10 सीटों पर बढ़त है, यानी आपको आप खुद तो सरकार बनाते हुए अभी दिख नहीं रहे इन आंकड़ों को देखते हुए, आपको किसी की मदद करनी पड़ेगी या आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी, उल्टा भी होता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना कि मदद आप कह रहे हैं करनी पड़ेगी वाली सिचुएशन नहीं आएगी, सिचुएशन लेनी तो पड़ेगी। नहीं अभी देखिए इस बार अब तो लेनी तो अगले आप भी लॉजिकल स्क्रीन पर है, अभी तीसरा ही राउंड तो है यार, अभी रिजल्ट्स आने दीजिए, राउंड बढ़ने दीजिए और बेटर पोजीशन होगी। कितनी बेटर हो जाएगी, 10 से भी कितनी बेटर हो जाएगी, 46 तो नहीं पहुंचती दिख रही है, आपको मदद तो लेनी पड़ेगी, तो किसकी मदद लेना पसंद करेंगे आप? नहीं इस बारे में अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा, तो विधायक जो चुन करके आएंगे वो बैठ करके निर्णय करेंगे इस बारे में। नहीं आंकड़ा ये सीधा काउंटिंग सेंटर से आ रहा है, अभी आप 10 सीटों पर आगे चल रहे हैं, किसी न किसी के साथ तो जाना ही पड़ेगा ना। नहीं वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए लोकतंत्र के अंदर विधायक जो चुन करके आएंगे वो अपना निर्णय लेंगे, जो विधायक चुन करके आएंगे उनके साथ बैठ करके मंत्रणा होगी और उसके बाद कुछ डिसाइड कर। अच्छा इतना आप मानेंगे आपका जो जनाधार है, जो आपको जनाधार मिल रहा है और जो जिस वजह से आपकी बढ़त है, वो जनाधार कांग्रेस के खिलाफ वाला जनाधार है या बीजेपी के खिलाफ वाला जनाधार है? देखिए हरियाणा प्रदेश के लोग भाजपा से नाराज थे और उन्होंने 10 साल कांग्रेस का भी शासन देखा, उनसे भी वो बहुत खुश नहीं थे। अब आपको एक चूज करना पड़ेगा ना, बीजेपी या कांग्रेस। आपने पूरा प्रचार बीजेपी के खिलाफ किया है। नहीं तो बिल्कुल हम तो कह ही रहे हैं जो 5 साल आप कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। नहीं अभी इस बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा अभी, क्योंकि खबर आ रही है प्रकाश सिंह बादल को जिम्मेदारी वेट एंड वॉच है। नहीं वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच यानी अभी अपने पत्ते ये भी नहीं खोलना चाहते, कोई नहीं खोलना चाहता, खोलना चाहते। अब बीजेपी कह रही है कि उन्हें जेजेपी की जरूरत है ही नहीं, उनको वो खुद ही बना लेंगे सरकार। अब इतने आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि आप अभी भी चोनकर शास्त्री कह रहे हैं कि हमें जेजेपी की आवश्यकता ही नहीं है, आप समर्थन मांग ही नहीं रहे, तो फिर प्रकाश सिंह बादल को आपने क्यों लगा रखा है? बात नहीं है प्रकाश सिंह बादल जी को या ऐसे लोगों को, अभी तो ये बहुत तीसरे राउंड का चल रहा है और हमें पूरा विश्वास है क्योंकि हमने काम किया, हमने जनता के समस्याओं को रिड्रेस किया है। उम्मीद नहीं है कि आपकी सरकार नहीं बन रही है? नहीं चित भी मेरी पट भी मेरा नहीं हो सकता ना सर। शास्त्री जी जी सवाल मेरा ये है कि महाराष्ट्र में आपको उम्मीद है कि आपकी सरकार बन रही है तीसरे राउंड के बाद, हरियाणा में उम्मीद नहीं है आपके पास? नहीं देखिए ऐसी बात नहीं है, फिर हर जगह हम बेहतरीन काम किए, हमारे कार्यकर्ताओं ने जम करके और डट करके काम किया है, हम हर दोनों जगह अपनी सरकार बना रहे हैं, फुल मेजोरिटी की हमारी सरकारें बनेगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं सरकार बना रहे हैं लेकिन अटक गया मामला। अनुराग के पास एक अपडेट है, अनुराग क्या अपडेट है आपके पास बताइए। अमीश देखिए अभी अंबाला की 2 सीट से मुलाना और नारायणगढ़ दोनों से कांग्रेस आगे चल रही है, तो विज साहब का जो गढ़ है, अनिल विज जी का जो गढ़ है, वहां पर भी कांग्रेस बराबर टक्कर दे रही है। कालका में पंचकुला कालका में कांग्रेस आगे हो गई है दोबारा से। अब आपको समझ आया, वो टी पॉइंट पे भी नहीं गाना गा रहे थे, अपने घर पे भी नहीं गाना गा रहे थे, गाना गाएंगे कैसे? क्योंकि यहाँ पर पेज जो है बिल्कुल फंस गया है। अच्छा एक 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 दिलचस्प बात यह भी है कि 34 कांग्रेस के और 10 जेजेपी के मिला के भी कुछ और जरूरत पड़ेगी, वो भी अन्य जो है 19 देखिए उनमें से भी कुछ। महाराष्ट्र में लगभग तय है कि बीजेपी सेना की सरकार बनेगी, लेकिन वहां पर भी बीजेपी को जो उम्मीद थी। मोहित मल्होत्रा बुला रहे हैं, मोहित मोहित क्या मोहित बताइए, मोहित मोहित के पास बड़ी खबर है जी, मोहित बताइए। बहुत बड़ी खबर है मेरे पास, बहुत बड़ी खबर है, हरियाणा की राजनीति को बिल्कुल उलट कर रखने वाली। कांग्रेस की तरफ से दुष्यंत चौटाला को ऑफर दे दिया गया है कि अगर आप सीएम पद की रेस में रहना चाहते हैं तो हम आपको समर्थन देंगे, यानी किसी भी हाल में बीजेपी को रोकना चाहती है हरियाणा में कांग्रेस।